सदीक मुसलमान है। हाँ हिंदू नाम रख के आ रहे बार बार। हिंदू नाम नहीं रखा भाई, हिंदू ही है मैं। कौन है ये मोहम्मद सदीक? क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद सदीक है? तुम हिंदू कैसे? मोहम्मद मोहम्मद सिद्दीक नहीं है मेरा नाम, ये मेरा दोस्त का है अकाउंट। और तुम जितना चिन्नाल जैसा हंस रहे थे ना, भाग गया करके मेरा नेटवर्क गया था। और ये सुन चिन्नाल, ओम अल्लाह ने तुम्हारा नाम, अल्लाह ने तुम्हारा इंटरनेट खत्म कर दिया ना। उसने कहा कि तुम तो यहाँ पे मर जाओगे, तो उसने पहले तुम्हारी बेस्ती होने से बचा लिया, तुम फिर आगे कुत्तों की तरह, सुन अब सुन तुम मरोगे। सुन सुन ये सुन, ओम बुड़ बुआ स्वाहा, अच्छा तड़सवी तुड़ वड़े दम भरगो देवस, जो प्रचोदय नहीं सुन सुन। तुम इतना छिन्नालो जैसा हंस रहे थे, तू इतना छिन्नाल जैसा हंस रहे थे ना, भाग गया करके, नेटवर्क गया था मेरा। और मैंने इतना बोला, तुम शिर्क क्यों कर रहे हो ना, तुम शिर्क क्यों कर रहे हो? इस्लाम कैसे साले इंतकाम के दिल, क्या इस्लाम कैसे अच्छा है वो बता दो। इस्लाम कैसे अच्छा है मतलब? हाँ तुम सारे लोग ये क्यों कर रहे हो ना, तुम उसके बारे में बुराई क्यों कर रहे हो ना, तुम बुराई क्यों कर रहे हो? इस्लाम क्यों बाकी धर्मों के बारे में बुराई करते हो? इस्लाम कब, इस्लाम ने कब किया बुराई? इस्लाम ने बुराई किया? इस्लाम कहता है कि ये लोग झूठे हैं जो कहते हैं कि ईसा जो है वो इबन अल्लाह है, ये लोग झूठे हैं जो ईसा को अल्लाह कहते हैं। तो ये तो इस्लाम कहता है ना, क्यों कहता है? दूसरों के धर्मों में उंगल क्यों देता है? पर उसमें भी कुछ रियलिटी रहेगी ना उसमें भाई। हाँ कैसे रियलिटी रहेगी? आपने दूसरों के अगर नहीं नहीं ना, अगर नहीं नहीं सुनना, अगर मैं भी सवाल का जवाब सुने ना, आपने दूसरों के धर्म में उंगल दी, मैंने आपके धर्म में बांह दे दी, चप्पा ही दे दिया पूरा। अब आप बताओ क्या मसला है इस चीज में? मेरा नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं पंडित है। तो फिर मुझे बताना, तू इधर इस्लाम के डिफेंड करने क्यों आया है? अरे पर मुझे इतना बोलना है, तुम ये क्यों कर रहे हो ना उसको, बदनाम क्यों कर रहे हो तुम इस्लाम को हमारे? रिपीट क्यों कर रहे हो पागल बच्चों की तरह? तुम्हें जवाब दिया ना, इस्लाम ने उंगल दिया ना दूसरे धर्मों में, मैंने बांध दे दिए। तो उससे तुझे क्या जाता है भाई, तेरा क्या जा रहा है? आरएसएस तेरे को फंड कर रहा है क्या? तेरे को बीजेपी फंड कर रहा है क्या तेरे को? मैं तो हिंदुइज्म नहीं बता रहा यहाँ पे। तो मैंने तो हिंदू का बोलना, फिर हिंदू का भी बोलना की राम ने 50 साल में उम्र में 3 साल के रिश्तेदार से शादी क्यों की? पर बोल की थी 50 साल की उम्र में 3 साल से, साबित कर, दिखा अभी, दिखा स्क्रीन पे। मैं किधर से रखूं, मेरे पास ये नहीं अभी, पीसी नहीं मेरे पास। तो फिर तू झूठ बोल रहा है ना साले। कैसे क्या झूठ बोल रहा है तू? ये ओपन करना राजवेद, अगर राजवेद ओपन कर। अगर मैं सुन, अगर मैं तुझे अभी दिखाऊं कि तू झूठा है, और मैं तुम ठीक है वो छोड़, ठीक है वो साले, एक सेकंड वो छोड़ू क्यों? मैं छोड़ू क्यों साले? यहाँ पे मैं तुझे खत्म करता हूँ ना। अगर मैं अभी दिखाऊं कि राम उसमें 50 साल का नहीं था, नंबर वन, नंबर टू मैं तुझे ये भी साबित कर दूं कि उसने उस वक्त सेक्स नहीं किया था, तो क्या करेगा साले? तू वो छोड़ना, तू इतना बता, एक लेकिन मैं तुझे जिसने... ये दिखा दूंगा, लेकिन मैं तुझे ये दिखा दूंगा कि मोहम्मद ने 9 साल की उम्र में 53 साल का होके 9 साल की उम्र की बच्ची के साथ सेक्स किया। तुम लोग धर्म, अरे उस टाइम जो लड़के थे ना, नहीं उस टाइम जो लड़के, तुम लोग अपने रिलीजन में रह के दूसरों के रिलीजन में जब उंगल देते हो और फिर कहते हो कोई आगे से चप्पा भी ना दे। अबे तुम्हें पता नहीं है, तुम उंगल दोगे मैं बांह दे दूंगा और नीचे से देके मुंह से निकालूंगा। मैं तो ऐसा ही हूँ। अब बोल, चोर होते थे इतना पता है कि तुझे? थोड़ा साइंस पता है क्या? तू बोली जाता, तू म्यूट था साले। तो साइंस पता है क्या भाई? हाँ उस टाइम जो लड़की थे वो जल्दी में चोर हुआ करते थे। अच्छा उस टाइम पे लड़की जल्दी में चोर होता था। मुझे ये बता, मोहम्मद के अलावा उस जमाने में किसी ने भी 50 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से शादी किया था? तो तुझे पता है कि तू था कि उधर बड़वे देखने को? वो एक कुत्ती माँ के बच्चे, नौ मर्दों की पैदाइश, बहन शोध, अगर वहां पे हिस्ट्री में हमें बता रही है कि जिस भी ऐसे बंदे ने किया, तूने भड़वा कहा है, मैंने कहा ना तू उंगल देगा मैं बांध दूंगा साले, तुझे पता नहीं है मेरा, बार बार बोल रहा हूँ, तू उंगल देगा मैं बांध दूंगा, चप्पा दूंगा, फाड़ के रख दूंगा। तो लिहाजा मुझे ना कह के मैंने बदतमीजी किया है, इज्जत से बात करेगा इज्जत लेगा, बदतमीजी करेगा बांध लेगा। जितने लोगों ने, बड़ी उम्र के मर्दों ने इस तरह छोटी उम्र के लड़कियों के साथ शादी किया या रेप किया या सेक्स किया, हम उनको पीडोफाइल कहते हैं, हम उनको थूकते हैं, उनको जलीलो ख्वार करते हैं, और हम कहते हैं गलत है। तुम भी कह दो मोहम्मद ने गलत किया, मेरी और तुम्हारी लड़ाई खत्म, कह दो। तुम तो मुसलमान नहीं, पहले इतना नहीं, तू पहले इतना सुन ना, तू पहले इतना सुन। एक ऐसा मजहब जिसने मैच इंट्रोड्यूस किया, जीरो इन्वेंट किया, प्लास्टिक सर्जरी इन्वेंट किया, तो ऐसा मजहब गलत कैसे हो सकता है? इस्लाम ने प्लास्टिक सर्जरी इन्वेंट किया? ओके, किस हदीस में, किस कुरान की आयत में प्लास्टिक सर्जरी इन्वेंट? गूगल में सर्च कर हु इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, कौन आता है? अभी मोहम्मद का नाम आता है। अबे साले मैंने ये नहीं पूछा, अभी पहले प्लास्टिक सर्जरी तो दिखा दे। प्लास्टिक सर्जरी हो गया, जीरो हो गया, इस्लामिक बंदे ने
ओके जी सारे लोग सुने, जीरो आर्यभट्ट ने किया था, आर्यभट्ट जीरो। प्लास्टिक, यार एक सेकंड, प्लास्टिक सर्जरी हो गया जीरो क्योंकि ये कुरान और हदीस से नहीं साबित कर सकते। वंस अगेन हम देख रहे हैं इनके रिलीजन ने क्या दिया, हम ये नहीं देख रहे हैं कि किसी शख्स ने क्या दिया। ओके वापस आते हैं। हाँ भाई अगला सवाल ला, अगला मुद्दा ला, दो मुद्दे तेरे उठा दिए मैंने, फाड़ दिए, अगला मुद्दा दे, तीसरा दे। कौन सा मुद्दा उठा दिया यार तूने, इतना पता ना कि ऐसा एक जो मतलब जिसने मैथ्स इंट्रोड्यूस किया है, मैथ्स इंट्रोड्यूस किया है, मैथ्स जीरो आर्यभट्ट का इजाद किया हुआ, आर्यभट्ट का इजाद किया हुआ, जीरो सर्च कर गूगल में, सर्च कर अंधे, अंधे सर्च कर। ओ माय गॉडनेस यार, हाई भाई लोगों प्लीज यार, मैं बात कर रहा हूं ना यार, प्लीज प्लीज लेट मी डील विद दिस इडियट, मुस्लिम है वो, आप लोग रिलैक्स हो जाओ। तेरा बाप इडियट। हां भाई आगे आगे आगे, तेरा बाप इडियट, तेरा बाप इडियट। नहीं नहीं मेरा बाप इडियट नहीं था, मैं बता रहा हूँ दोबारा आपको, जिन 10 मर्दों ने आपकी माँ के साथ किया था और फिर उसके बाद आप पैदा हुए थे, निकाहुल अलरत जिसकी वजह से आप पैदा हुए थे, वो 10 के 10 इडियट थे। रादर उसमें से 3 जो थे मेरे ख्याल में वो बंदर थे, देवर मंकीज, लिटरली चिपेंजीज थे वो असल में, क्योंकि आपकी माँ जो है ना आपको कंसीव नहीं कर सक रही थी मर्दों से, तो उन्होंने कहा कि यार इस दफा मैं 10 मर्द लेने की बजाय 7 मर्द लेती हूँ और 3 चिपेंजीज लेती हूँ, तो वो जो चिपेंजीज थे ना उनकी वजह से आप पैदा हुए हैं, तो लिहाजा आप इस चीज पे ना करें, मैंने आपको बार बार कहा है, टॉक नाइसली अदरवाइज मेरी तरह से चप्पा ही आएगा। हाँ जी दोबारा से वापस आते हैं, तमीज तरीके से बात कीजिए और अपना पॉइंट रखिए रेफरेंस के साथ, नहीं तो भी गेम खराब होगी। तू सामने होता ना तेरा सर कलम कर देता, तू अभी जितना बकना है ना। ओके आपने कल सर कलम कैसे करना था, हाथ से करना था ना, जिस हाथ को आपने उठाना था वो हाथ ही मैंने तोड़ देना था और फिर उसको तोड़ के ना मैंने उसे कीमा बनाने वाली मशीन में डाल देना था और आपकी हड्डियों का भी हाथ का कीमा निकला था जिससे आप तोड़ने सर कलम करने की कोशिश करते हैं, आपको मेरा पता नहीं है। अरे ना लोड़ी कितनी धार है ना उससे करता था। अच्छा लोड़े से करते, आपका लोढ़ा पकड़ के ना मैंने उसको थोड़ी से पीस पीस के ना, पीस पीस के उसका सुरमा बना के ना आपकी वालदा की आंखों में लगा देना था, ये आपका ख्याल है। मैंने आपको कहा आप ऐसे ना करें मेरी जान। आगे चल, तुम म्यूट क्यों कर रहे हैं बड़वे, म्यूट क्यों कर रहे हैं, सुन ना म्यूट क्यों कर रहे हैं। पॉइंट दे साले, इस्लाम को साबित करने का पॉइंट दे। इस्लाम को साबित क्यों करूं मैं, बोल रहे तुम ये जो शिर्क कर रहे ना वो बंद करो ना, वो से डालो इंतकाम के दिन में। क्या शिर्क, क्या मसला तेरा, तुझे क्या मसला शिर्क करते हैं, तुझे क्या मसला है, और क्यों कर रहे हो तुम, बदनाम क्यों कर रहे हो, तेरी माँ की चूत मार रहे हैं कि शिर्क कर रहे हैं, तुझे क्या मसला है, करने दो भी शिर्क नहीं, पर इतने 2 बिलियन लोग फॉलो करते हैं इस्लाम को, अरे तो मैं उसके पीछे करने दो शिर्क, हमें तुझे क्या मसला है, कर रहा क्यों ना तुम, इतने लोग को क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, मेरी तुझे क्या मसला है, तेरी बुंड में क्यों आग लगी है, तुम मार चुदा, नहीं नहीं वो मैं तेरी आगे चोदता हूँ, माँ जाके पूछ अपनी माँ से, चुट चुकी है बहुत दफा मेरे हाथों। बोलने दे, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। अच्छा एडम, इसको अगर इस्लाम इतना पसंद है भाई को तो ये इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता फिर, ये अपना एफिलिएशन जो है वो हिंदुइज्म से क्यों रख रहा है फिर। नहीं नहीं मैं पहले, ये असल में ये मुसलमान ही है, लेट मी टेल यू, ये मोमिन ही है, मैं इससे 2-3 दफा पहले बात कर चुका हूँ मेरे चैनल के ऊपर और ये इस दफा अपने आपको क्लेम करे क्योंकि इस्लाम में झूठ बोलना तो ज्यादा था ना, तो ही इज जस्ट क्लेमिंग इट टू बी लाइक दैट, अदरवाइज ही इज नॉट ए हिंदू बेसिकली। और दूसरा, एक हिंदू को क्या तकलीफ हो सकती है कि कोई बंदा शिरक क्यों कर रहा, एक हिंदू को तकलीफ नहीं हो सकती किसी भी किस्म की, हिंदू के मेजर मेजर सेक्ट्स जितने भी हैं दे अलाउ शिरक, लाइक उनके लिए गॉड का एक होना अनेक होना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली अच्छा मेरे को लगता है कोई ढंग के मोमिन आए हमारे पास, नुमान अहमद साहब आए, नुमान अहमद साहब आपका इस्तकबाल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गालियों से शुरू नहीं होंगे, अच्छे होंगे। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो सलाम जी भाई, खैरियत से भाई, फिलहाल तो भाई एक चीज जी, आपने एक्स मुस्लिम लिखा इसका मतलब क्या भाई, मेरे साथ तो नहीं लिखा हुआ, किसने क्या लिखा हुआ, आप मेरा नाम पढ़े क्या है, नहीं अदा एक्स मुस्लिम, अदा एक्स मुस्लिम शमीम, उसका मर्जी है, और इस साहिल भाई ने भी जिसने लिखा उसका मर्जी है, आपको क्या तकलीफ है, मैं तो भाई पूछ रहा हूँ यार, ऐसे मर्जी है यार आपका, आपने अपना नाम क्या लिखा है, आपने अपना नाम क्या लिखा है, नुमान अहमद, नुमान अहमद, आप आपके आपका नाम किसने रखा, आपके वालदा ने या आपके वालिद ने,
भाई एक्स मुस्लिम उनके वालिद ने लिखा है। भाई आपका नाम किसने लिखा, मैं पूछ रहा हूँ, आपकी वालिद ने या आपके वालदा ने? भाई मेरे वालिद ने रखा है, बताओ। मुझसे पूछ के रखा था सर? तो भाई भाई मैं पूछ रहा हूँ, मुझसे भाई कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं यार, पूछ ले, गलती हो गई, चलो पूछ लेना सर, पूछ ले, बता दे पहले, सबको पता लग जाए ना सर कि उन्होंने मुझसे नहीं ना पूछा था। तो भाई इसी तरह हम आपसे पूछ के अपने नाम को जो मर्जी रखें, या हमारी मर्जी, हम जो मर्जी रख ले। भाई मैं तो सिर्फ मतलब पूछ रहा हूँ यार, मैं थोड़ा ना ही कह रहा हूँ क्यों रखा। हमें हमें आपको परवाह ही नहीं होनी चाहिए इस बात में, आप छोड़े इस बात को, बात रखें। हाँ चलो चलो छोड़े इस बात को, चले शुक्र है, थैंक यू सर। जी सर कुछ फरमाना चाहेंगे, आप किस मकसद के लिए आप आए हैं? अरे चले गए, वो मेरा नाम पता करने आए थे। यार साहिल सीरियसली मैन, उसने जो आर्टिकल तैयार किया था ना पिछले आधे घंटे से कि उसने हमसे बोलना है, वो खत्म हो गया। अब वो बेचारा क्या बोले, चला गया। इस्लाम तो डिफेंड नहीं कर सकता था, जो मुल्ला ने सीख के आया था वो आर्गुमेंट खत्म हो गया, बोले क्या। आउट ऑफ द सिलेबस सवाल आ गया पेपर में। यार ये उसने आखने एक्स मुस्लिम क्यों लिखे, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये पूछने आया है बस और खत्म। यार अगर सीखर वजह से जलेबी बनानी थी ना साहिल के आंसर पे या किसी और के आंसर पे, मेरे वो मेरे बनने नहीं दी तो उसका आर्टिकल खराब हो गया। सर आपने जलेबी बनने नहीं दी, आपने उसका बेसनी घोलने नहीं दिया उधर। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन था ना वो खत्म हो गया, वो भूल गए। ये मेरे लाला जी बोलते हैं ना, सब भूल जाते हैं। हम कभी भूल जाते हैं। पिक, 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 पिकोलो कह रहे हैं ये खौफ हमें अच्छा लगा है। ओह माय गॉडनेस। ओह साहिल यार क्या बनेगा इन लोगों का यार। अच्छा वो गहरा अब वाला कितना जी हकुक जी क्या कह रही हैं? मैं वो बोल रही थी वो 11 अब्बा जी वाला किधर गया? वो भी चला गया, निकाल दिया, काफी हो गई, काफी हो गई थी उसकी। एम से रात को गाना सिखाया था, चुप करके वो सुना देना था उसे, 11 बीबी काम मेरा रोज का, ना ही मैं नहाता और ना ही मैं धोता। ये तो आपने मोहम्मद साहब की जिंदगी बयान कर दी। इनको ये दो चार लाइनें बोलो खत्म, आगे नहीं बोल सकते कुछ भी। ये 11 बीवी रोज का, काम ठोकना रोज का, ना ही मैं नहाता और ना ही नहीं मैं धोता। जुमा को नहाते अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अदा जी आप समझी नहीं, वो कोई और बात थी। अदा जी आप छोड़ दें, ये आपकी उम्र से ऊंची बात है, आप इसे इग्नोर करें। थोड़ी सी छोटी, थोड़ी सी। अच्छा अभी लाइव कोई है, कोई मोमिन? और मैं तो सिर्फ इसलिए आई थी ऊपर, मुन्ना भाई बोल रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, मैं सोच रही कि मैं पहले चढ़ूंगी ऊपर जल्दी जाके। तो आया, आया, कुछ आया। कोई है?